अभी दूसरी समस्या आती है लीची में अभी के समय में, जो कि फल में कीड़े की समस्या है। फल बेधक कीड़ा जो है वो खासकर पूर्वी में तो कम आता है, मंदराजी और चाइना में बहुत ज़्यादा आता है। तो मंदराजी और चाइना में लेट वेराइटी तो मिड वेराइटी है और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप जैसे ही दाने लगने शुरू हो जाते हैं उस समय ही आपको कुछ केमिकल का, जो हमने पहले बताया, पहले यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आपने मैंने बताया है कि कौन से केमिकल का छिड़काव करें। लेकिन अभी के बाद से, चूँकि अब गूदा भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो नीम आधारित केमिकल, निम्बिसिडीन, नीमाजॉल, इन सब का जो है 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के में घोल करके आप जो है उसको कुछ स्टिकर के साथ मिला करके आप इसका छिड़काव करें। तो इसमें जो भी अगर फल छेदक आ भी चुके होंगे उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ये अब दो बात ध्यान रखने की है। एक तो है कि आप बगीचे में नमी बनाए रखें मिट्टी में और साथ ही साथ इसके छत्रप में। दूसरा, आप एक नीम आधारित कोई कीटनाशक का प्रयोग करें, एक बार स्प्रे करें, ताकि जो है कीट अगर आए हों, फल बेधक कीट आए हुए हों, तो उसको आप जो है थोड़ा रोक सकें या नियंत्रण कर सकें। अगर आ चुके हैं तो बहुत 100% तो नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है ताकि आपकी उत्पादन में वृद्धि हो, गुणवत्ता में, फल के गुणवत्ता में वृद्धि हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सके और मुनाफा प्राप्त हो सके।